सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, 43 साल में हुआ ऐसा पहली बार 13 ओवर में एक भी रन नहीं बना पाई टीम इंडिया। टीम इंडिया धर्मशाला वन डे में अपनी लय में नहीं दिखी। श्रीलंकाई आक्रमण के आगे भारतीय टीम के लिए HPCA स्टेडियम में रन बनाना बेहद मुश्किल था। सुरंगा लकमल की धारदार बॉलिंग के आगे टीम इंडिया न सिर्फ विकेट गिरते रहे बल्कि वे एक बाद एक मेडन ओवर भी डालते रहे। यकीन मानिए, टीम इंडिया ने अपनी पारी में कुल 13 मेडन ओवर खेले, यानी टीम इंडिया 38.2 ओवरों में 112 रन पर ऑल आउट हो गए। इस दौरान ऐसे 13 ओवर थे जिनमें वे एक भी रन नहीं बना पाई। श्रीलंका की ओर से कमल और नुआन प्रदीप ने सर्वाधिक 4 ओवर मेडन फेंके। 43 साल के अपने वन डे इतिहास में भारत ने पहली बार इतना खराब प्रदर्शन किया है। 1975 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 मेडन ओवर खेले थे। इससे पहले 1975 के वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 12 मेडन खेले थे। यह वही मैच है जिसमें सुनील गावस्कर ने 60 ओवर के मैच में नाबाद 36 रन बनाए और शुरुआत से अंत तक विकेट पर कायम रहे। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, यानी 335 रनों के लक्ष्य के आगे टीम इंडिया ने पूरे ओवर 60 ओवर खेलकर महज 132 रन पर 3 विकेट पर बनाए। 1981 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 मेडन ओवर खेले थे। इसके अलावा एक बार फिर भारत ने 12 ओवर मेडन खेले जब वह 1981 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में 45 ओवरों के मैच में 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 140 रन पर 9 विकेट पर ही बना पाई थी। उस मैच में भारत के 5 विकेट 41 रन पर गिर गए थे। कपिल देव ने सर्वाधिक 50 रन बनाए और रन आउट हुए। गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ ने 40 गेंदें खेली और 14 से 14 रन बनाए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करिए और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।